और ये हो रहा है। मानसिकता हमारी अच्छी होनी चाहिए। एक बात बीच में मैं कहूंगी, हम जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, वो हमारी माता होती है, और इसलिए मातृभाव रख करके जब हम उसके लिए कार्य करते हैं तो माता का भी स्नेह हमें उतना ही प्राप्त होता है। परंतु माता कभी बदनाम ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक नाम लेकर के बोलती हूँ, क्योंकि आज पेपर में न्यूज आई है, कोई गौरव सिंह करके सीनियर DRL थे, उन्होंने किसी के महिला के साथ, सहकर्मी के साथ ये लोभ दे करके कि हम तुम्हारी अनुकंपा नियुक्ति करवा देंगे, हम तुम्हारा सर्विस लगवा देंगे, और उनका शोषण किया। कहीं ना कहीं उस महिला की भी गलती है। अगर किसी ने लोभ दिया है, लालच दिया है, और लोभ और लालच में आकर के आपने खुद को उसको समर्पित कर दिया, एक साल डेढ़ साल हो गया, और फिर आप उसकी शिकायत करोगे, मुझे लगता है वो गलत है। पुरुष होने का दंड किसी को नहीं मिलना चाहिए, पर यदि गलत है, कुछ उसमें गलतियां हैं, हैरेसमेंट हो रहा है, आपकी स्वीकृति नहीं है, आपके संबंध नहीं है, पता चला है, मैंने जानकारी ली उसकी कि महिला शादीशुदा होने हो गई थी, उसके बाद भी वो उस पर उसको शायद हैरेसमेंट करता था, मानसिक तौर पर प्रताड़ना देता था, इसलिए उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया और ये केस खुला। परंतु मैं एक ही बात कहती हूं कि महिलाओं को मोदी जी के शासन में, और यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो मैं भी भोपाल में हूं, आसपास मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, कम से कम ऐसे निर्णयों पर कठोर निर्णय लिए गए हैं, और ऐसा न करते हुए एक बार तो आना चाहिए और बताना चाहिए था कि कम से कम ये हमारे साथ हो रहा है। पहले आपकी स्वीकृति, क्योंकि आपने अपने को समर्पित किया एक लोभ में आकर के, ये महिला की गलती। अनुकंपा नियुक्ति आपका अधिकार था, आप DRL के पास जाते, आप अधिकारियों के पास जाते, आप जनप्रतिनिधियों के पास कहते, अगर ऐसी कोई बात थी कि हमें ऐसा लोभ दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, डिपार्टमेंट में DRM से मिलकर के ये बात की जा सकती थी, हम लोगों के पास आती, हम